क्योंकि हमारा आज का विषय है प्रियंका गांधी, सियासत के वास्ते वायनाड के रास्ते। संदर्भ यह है कि इस देश की सियासत में गांधी परिवार की अपनी अहमियत रही है। आप चाहें ना चाहें, लेकिन ये बात सच है कि इस देश की राजनीतिक इबारत गांधी परिवार के बगैर पूरी नहीं होती है। गांधी परिवार के संदर्भ में जब बात करी जाती है तो दरअसल ये गांधी नेहरू परिवार के संदर्भ में होती है। महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू से सिलसिला शुरू होता है और आज़ादी के बाद की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, फिर राजीव गांधी, संजय गांधी, मेनका गांधी और उसके बाद की पीढ़ी पर आए तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वरुण गांधी के संदर्भ में कई किस्से कहानियां भारत के राजनीतिक क्षितिज पर छाए रहते हैं। प्रियंका गांधी को शुरुआत से ही लोग एक बड़ी संभावना के तौर पर देखते थे। प्रियंका गांधी की कदकाठी, उनका चेहरा मोरा, ये सब याद दिलाते थे, उन इंदिरा गांधी की याद दिलाते थे जो अपने आप में एक चमत्कारिक नेतृत्व दे पाने में देश में सफल रही थी। एक ऐसी राजनेता के तौर पर उन्होंने देश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी जो किसी भी कठिनाई का मुकाबला पूरी हिम्मत के साथ किया करती थी। इंदिरा गांधी के साथ में पक्ष और विपक्ष में बोलने जाने के लिए तमाम बातें रही। इमरजेंसी को लेकर उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाता रहा, लेकिन बांग्लादेश के संदर्भ में उनके द्वारा दिखाई गई हिम्मत के लिए विरोधी भी उनको स्वीकारने के लिए सहजता से तत्पर दिखाई देते हैं। इमरजेंसी के आघात को झेलने के बाद 1980 में उन्होंने स्वयं और अपनी पार्टी की वापसी कराई थी। तो ऐसी कद्दावर शख्सियत का अक्स लोगों को प्रियंका गांधी में दिखाई देता था। प्रियंका गांधी को राजनीतिक तौर पर तकरीबन 35 साल हो रखे हैं। यह बात स्वयं प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से कही है। उन्होंने कहा है कि पहली बार मैंने प्रचार राजनीतिक रूप से 1989 में किया था जब मेरे पिता स्वर्गीय राजीव गांधी चुनाव लड़ रहे थे, पर हम लोगों ने प्रियंका गांधी को सही तौर पर तब जाना जब वह अपनी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के लिए चुनाव व्यवस्था संभालते हुए दिखती थी। अमेठी और रायबरेली, इन दोनों सीटों से भले ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुनाव लड़ते थे, पर उनका चुनाव प्रबंधन और उसके बाद क्षेत्र की देखभाल के संदर्भ में प्रियंका गांधी सुर्खियों में रहती थी। प्रियंका गांधी को लंबे समय तक लोग सक्रिय राजनीति में देखने के लिए इंतजार करते रहे, पर आखिरकार 2019 के समय पर प्रियंका गांधी की राजनीति में विधिवत तौर पर दाखिले की स्थिति बनी जब उन्हें पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई, उत्तर प्रदेश का प्रभार सौंपा गया। तब से लेकर अब तक प्रियंका गांधी के खाते में सिवाय विफलताओं के और कुछ दर्ज नहीं है, पर फिर भी उनको एक संभावना के तौर पर देखा जा रहा है। प्रियंका गांधी के संसदीय जीवन की अब शुरुआत होने की उम्मीद है, क्योंकि बड़े लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। प्रियंका गांधी को उनके भाई राहुल गांधी के द्वारा छोड़ी गई सीट वायनाड से प्रत्याशी बनाया है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या उत्तर से दक्षिण की ओर चली प्रियंका कुछ नया कमाल करेंगी, और कमाल करेंगी तो उनसे हम किस कमाल की उम्मीद कर सकते हैं। इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ चार खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं। सुरेंद्र राजपूत जी को अवसर रहा है प्रियंका गांधी के साथ सक्रिय रूप से काम करने का, क्योंकि प्रियंका गांधी जिस उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी उस उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं सुरेंद्र राजपूत जी। अब ऐसा उन्होंने क्या किया जिसके चलते प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश को छोड़कर केरल का रुख कर लिया, ये हमें सुरेंद्र जी से समझना है। हमारे साथ में ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी हैं। कभी वो प्रियंका गांधी के साथ संभावना देखते थे, आज की तारीख में क्या देख रहे हैं हमें पता नहीं है, पर ब्रजमोहन जी जो है राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कौन सी? पवार वाली। पर कौन से पवार वाली? तो अजीत पवार वाली, उसके ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी यहां मौजूद हैं। हमारे साथ में ऐसे जब दिलचस्प राजनीतिक विषय हैं तो एक किरदार भाजपा से जरूर मौजूद रहता है, उनका नाम है चिंतामणि मालवीय। अपनी मुखरता के लिए जाने जाते हैं, सुरेंद्र राजपूत जी से उनके अतिरिक्त मधुर संबंध रहते हैं, तो हम भी खास तौर पर उनको विशेष तौर पर आमंत्रित करते हैं। तो चिंतामणि मालवीय जी, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा, वो हमारे साथ है, और इन सबके बीच में तटस्थ राय देने के लिए संजीदा किस्म के पत्रकार राजकुमार सिंह जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र राजपूत जी से ही करते हैं। उत्तर प्रदेश से जो उत्तर ना मिला वो दक्षिण में दम दिखाने के लिए प्रियंका गांधी को आपने भेज दिया। सुरेंद्र जी, क्या संभावना देख रहे हो? कितना निराश है आज आप इस बात से कि आपकी अपनी बहन प्रियंका उत्तर प्रदेश से संसद में पहुंचने का विकल्प छोड़कर
दक्षिण से संसद में आने की कोशिश कर रही है, लोकसभा में आने की कोशिश कर रही है। सुरेश जी, अपना दर्द थोड़ा हमारे साथ साझा कीजिए ना। अरे आप बड़े सुधीर पत्रकार हैं, प्रणाम है आपकी विद्वता को। हम तो इतना ही कह सकते हैं, हमारे लिए तो सारा देश एक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से लेकर राजकोट तक। भाषा पे, प्रांत पे, सारी चीजों पे अब तक भाजपा बांटती थी, अब आजकल आप बांटने लग गए। आपसे तो उम्मीद नहीं थी ना हमें पंडित जी। अब क्या बताया सुरेश जी, हमें तो बड़ी उम्मीद थी कि बहन प्रियंका रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। अब आप हमारी उम्मीद के साथ नहीं हो दोस्त, हम माफी मांग लेते हैं आपसे। हमने तो बड़ी उम्मीद की थी आपकी मेहनत और प्रेम को देखते हुए। गलती की आप बता रहे हो तो मान लेते हैं, खेद है हमें अपनी बात पर। नहीं तो उनके नहीं तो उनके भाई राहुल गांधी जी लड़े हैं ना सर जी। ऐसा जी। तो है नहीं, राहुल गांधी अगर प्रियंका जी आपकी बहन हुई तो राहुल गांधी आपके कोई दुश्मन, तो वो भी तो भाई हुए ना जी। जी तो कभी कभी भाइयों के प्रति भी प्रेम दिखा लिया कीजिए पंडित जी, जी। पार्टी के प्रति, भाइयों के प्रति, सब लोगों के प्रति प्रेम दिखा लिया कीजिए। ये तो खैर लाइटर नोट की बात थी, आप जैसे सुधी आदमी से शुरुआत करने के लिए। हम दो चीजें बड़ी स्पष्ट करते हैं। पहली बात, हम भाषाईवाद में, क्षेत्रवाद में की बात नहीं करते, नंबर एक। नंबर दो, वायनाड की सीट और क्या नाम रायबरेली की सीट से राहुल गांधी जी लड़े थे और राहुल गांधी जी को दोनों जगहों की जनता ने पूरी तरीके से, जिसको कहा जाए वोटों से लबरेज करके भेजा था, और इसका हम दोनों जगह की जनता से कृतज्ञता अपनी बनाते हैं। वायनाड की सीट उन्होंने छोड़ते समय एक प्रण किया था और वायनाड की जनता को कहा था कि यहां से मैं ही रहूंगा, चिंता मत करिए, अब यहां से एक नहीं दो सांसद आपको मिलेंगे। और उन्होंने अपनी बहन प्रियंका गांधी जी को वहां पर भेजा उन लोगों की जनता के मांग के लिए, जनता के क्षेत्र के विकास के लिए, वायनाड के विकास के लिए। और श्री राहुल गांधी जी रायबरेली इसलिए रहे, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि रायबरेली की सीट हमेशा कांग्रेस परिवार का एक ज्येष्ठ सदस्य रखता है, हमेशा ज्येष्ठ। और ज्येष्ठतम सदस्य इस वक्त जो लोकसभा में है, क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी जी राज्यसभा जा चुकी हैं, ज्येष्ठ सदस्य जो हुए वो श्री राहुल गांधी जी हुए। तो उन्होंने अपनी परंपरा को निभाते हुए, पुराने समय की परंपरा को, फिरोज गांधी साहब की परंपरा थी, सोनिया जी की परंपरा थी, इंदिरा जी की परंपरा थी, इन सब परंपराओं को निभाते हुए उन्होंने राहुल के नाम रायबरेली की सीट रखी और श्रीमती प्रियंका गांधी जी को वायनाड की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए भेजा। इसमें ना भाषावाद का कोई मतलब है, ना कोई क्षेत्रवाद का मतलब है, ना उत्तर का मतलब, ना दक्षिण का मतलब है। एक चीज मैं आपसे कह देता हूं, अगर प्रियंका जी इस बार बनारस से भी चुनाव लड़ती तो नरेंद्र मोदी जी इस वक्त संसद में नहीं होते, इस बात को भी मैं जिम्मेवारी से कह सकता हूं। अगर अजय राय जी 152,000 वोट से हार सकते हैं तो प्रियंका गांधी जी के पास 75,000 वोट और बढ़ते और नरेंद्र मोदी जी संसद से बाहर होते, यह भी अपने आप में सच है। तो प्रियंका गांधी जी के लिए बहुत माफी के साथ बीच में हस्तक्षेप कर रहा हूं, मेरी कोशिश रहती है कि जब प्रवक्ता बोले तो बीच में मैं हस्तक्षेप ना करूं, पर आपने बात ही इतनी बड़ी कह दी कि मुझे समझ में नहीं आया। मैं जानना चाहता हूं कोई सेटिंग बैठी है क्या गांधी परिवार की मोदी जी के साथ में, क्योंकि आपने बताया कि अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती ना तो नरेंद्र मोदी संसद में नहीं पहुंचते। और कांग्रेस तो अरसे से बता रहा है, वो खड़गे जी जो है वो बोल चुके हैं, जब तक मैं नरेंद्र मोदी जी को नहीं हटा दूंगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। तो मैं समझ नहीं पाया, जब प्रियंका गांधी में क्षमता थी नरेंद्र मोदी जी को चुनाव हरा देने की, और आप लोग देश के लिए बड़ा जरूरी बताते हो कि नरेंद्र मोदी जी से देश को मुक्ति दिलाना है, तो आपने प्रियंका गांधी को लड़ाया क्यों नहीं? ये देश के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ सुरेंद्र राजपूत जी आपने और आपकी पार्टी ने क्यों किया? नरेंद्र मोदी को संसद से रोकने का जब आपके पास में हुनर था, औजार था, हथियार था, तो आपने चलाया क्यों नहीं? क्या सेटिंग बैठी थी आपकी ऐसी भाजपा के साथ, मोदी जी के साथ, जो आपने ये अपना तुरप का इक्का चला नहीं? अरे पंडित जी इतना मत उत्साहित होइए, गले की नस फट जाती है, बीपी हाई हो जाता है। हमसे गलती हो गई, नहीं करनी चाहिए थी गलती, लड़ा देना चाहिए था। आपकी बात से हम सहमत हैं, पूरी तरीके से सहमत हैं, लड़ा देना चाहिए था, गलती हो गई, कभी कभी चूक हो जाती, इसको चूक मान करके माफ कर दीजिए, अगली बार नहीं होगी, इस चीज को जान लीजिए आप, ये अब चूक हो गई, हमने मान ली, तो हम इसमें बहस करते नहीं। आप वैसे भी विद्वान हैं तो हम आपके सामने तो वैसे ही नतमस्तक रहते, तो चूक हो गई, चूक आगे से नहीं होगी ये चूक। लेकिन ये बात अपने आप में सच है कि जितने वोटों के अंतर से
नरेंद्र मोदी जी ने बनारस में जीत उत्पन्न की है, 152,000 के आसपास का उनका अंतर रहा है वोटों का, तो आप भी इस बात को मानेंगे, भले ही आप सार्वजनिक रूप से न कह पाए, आपकी अपनी कोई, चूंकि पत्रकारों की अपनी एक वो रहती है, मजबूरी रहती है, कि प्रियंका गांधी जी के आने के बाद 1,00,000 वोट तो कम से कम बढ़ ही जाता, नरेंद्र मोदी जी 50,000 वोट से बनारस में चुनाव हारते, इस बात को तय है। जब अजय राय जी ने उनके नाको चने चनवा चबवा दिए, पहले 7-8 राउंड अजय राय जी आगे थे और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी साम दाम दंड भेद, गुजरात से पता चला जहाज से आया फलानी चीजा, उसके बाद पता नहीं कौन कौन से अनुप्रिया पटेल जी और 27 दागी एमएलसी, चाहे वो मैं नाम लेकर के कहता हूं, चाहे वो विनीत सिंह जी हो, चाहे वो ब्रजेश सिंह जी हो, चाहे वो चुलबुल सिंह जी हो, ये सारे के सारे लोगों को लगाया हुआ था इन लोगों ने, उसके बाद 152,000 से जीत पाए थे। अगर श्रीमती प्रियंका गांधी जी बनारस से चुनाव लड़ती तो नरेंद्र मोदी जी वास्तव में लोकसभा में नहीं होते, ये मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा एक बार बताइए, गलती आपसे केवल बनारस में चुनाव प्रियंका गांधी को नहीं लड़वाया इसी के संदर्भ में हुई, या सुरेंद्र बाबू जी जब ईमानदारी के साथ बोलने पर आई गए हैं तो ये भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी को लोकसभा भेजने के संदर्भ में भी पार्टी ने गलती कर दी, 20 साल पहले उतार देना चाहिए था, 20 साल बाद उतार रहे हैं। प्रियंका गांधी को चुनाव प्रचार करते हुए 35 साल हो गए, चुनाव लड़ने की पात्रता पाए हुए तकरीबन उन्हें 25 साल हो गए, पर पार्टी अब फैसला ले रही है कि उन्हें लोकसभा में होना चाहिए। सुरेंद्र बाबू जी अभी भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी के साथ जितनी संभावनाएं जनता देखती थी, पार्टी कार्यकर्ता देखते थे, जिस तरीके से उनमें उनकी दादी इंदिरा गांधी का अक्स दिखाई देता था, पार्टी ने गलती की, लेट उतार रहे हैं, देरी से उतार रहे हैं, इसके लिए भी आपको खेद है, शर्मिंदगी है। भाई आप इतना लंबा बोलते हैं, हाँ आप इसका भी जवाब सुन लीजिए, बहुत ईमानदारी वाला जवाब है, आप भी जानते हैं जवाब को हिमांशु भाई, इसका जवाब यह है कि हम तो 25 साल से कह रहे हैं प्रियंका गांधी जी से कि आप चुनाव लड़िए, पार्टी भी कह रही है कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने स्पष्ट कहा था 25 साल पहले भी और अभी भी उन्होंने कहा था, 10 साल पहले भी कहा था कि मैं सक्रिय राजनीति में तभी आऊंगी जब मेरा छोटा बच्चा 16 साल से ऊपर का हो जाएगा। दो बच्चे हैं उनके, एक बेटी है एक बेटा है, उन्होंने जब वो बहुत स्पष्ट रूप से परिवार की जिम्मेवारी पूरी करके ही चुनावी राजनीति में आना चाहती थी, सक्रिय राजनीति में आना चाहती थी, ये इच्छा उन्होंने स्पष्ट रूप से व्यक्त की थी कि जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब मैं चुनावी की राजनीति में आऊंगी, और ये उन्होंने अपना वादा पूरा किया। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में वो प्रभारी के रूप में आई, तो सक्रिय राजनीति में तभी आई जब उनके छोटा बच्चा जो है वो 16 साल से ऊपर का हो गया। तो इसमें पार्टी की भी कोई कमी नहीं है, इसमें प्रियंका जी की भी कोई कमी नहीं है, बल्कि आपको हमको या पूरे यहां पर जिस जो पैनल बैठा है उनको, परिवार वाले लोग जितने भी लोग बैठे होंगे वो इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे कि एक मां अपने परिवार की जिम्मेवारी पूरी करने के बाद ही सक्रिय राजनीति आई है। ये हमारे लिए भी गर्व की बात है, प्रियंका जी के लिए गर्व की बात है। अब क्या नाम, जितने परिवार वाले लोग हैं गर्व की बात है, जिनके परिवार नहीं है या छोड़ चुके हैं उनके लिए हो सकता है शर्म की बात। चलिए अब ये विषयांतर हो जाएगा अगर इस आधार पर जाएं तो, फिर महिलाओं को तो 45 साल की उम्र के बाद ही चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि बेटा 16 साल तक ना हो जाए, बेटी 16 साल तक ना हो जाए, तब तक उसे चुनावी राजनीति से दूर रहना चाहिए। पर मेरा विषय ये नहीं है, मेरा जानना यह है सुरेश राजपूत जी, फिर मैं आगे चलूंगा चिंतामणि जी के पास, प्रियंका गांधी की लोकसभा में आने की कोशिश के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या भविष्य देखती है? सुरेंद्र जी इस पर कोई दृष्टि देंगे, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप कि प्रियंका गांधी की ये भूमिका पार्टी और देश दोनों की दृष्टि से क्या असर डालेगी? देखिए बहुत स्पष्ट है, कहते ना करते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। जब से प्रियंका गांधी जी सक्रिय राजनीति में आई, आप देखें मिर्जापुर सोनभद्र में उम्भा की घटना हुई, आप देखें लखीमपुर में किसान मारे गए, दोनों जगह पे प्रियंका गांधी जी को जेल में बंद किया गया, आप देखें उन्नाव में जो क्या नाम लोमहर्षक एक बलात्कार कांड हुआ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, आप देखें बुलंदशहर में जो हुआ, जिस जिस जगह पे भी क्या नाम समस्याएं थी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी अपनी परवाह किए बगैर जेल तक उन्होंने 3-3 रात काटी है, ये आपके सामने की परिस्थितियां हैं। तो जो आवाज अब तक सड़क पर गूंजती थी वो आवाज अब संसद में गूंजेगी,
जो जो बातें वो क्या नाम नल के लिए, नील के लिए, कोल के लिए, भील के लिए, अगड़े के लिए, पिछड़े के लिए, गरीब के लिए, महिला के लिए, अग्निवीर के लिए, किसान के लिए सड़क पर उठाती थी, वो आवाज, सशक्त आवाज संसद में गूंजेगी तो निश्चित तौर पर इन सारे वर्गों को फायदा होगा और सभी लोग एक सीमेंटिंग फोर्स के रूप में इनके साथ जुटेंगे और समस्याओं को सुलझाने में बहुदलीय लोकतंत्र में आम आदमी को एक फायदा होगा, ऐसा हम देख रहे हैं। और बाकी चीजें तो समय समय की है, जहां जहां जिस जिस भूमिका में पार्टी चाहेगी उनको अभी भी वो पार्टी उनका उपयोग करती, आगे भी उस पार्टी उपयोग करेगी, पार्टी उनका उपयोग करेगी। चिंतामणि जी, कितना घबरा गए अब आप, कांग्रेस ने अपने तुरप के इक्के को लोकसभा में लाने के लिए ऐलान कर दिया है। वायनाड, जहां से राहुल गांधी ने एक तरफा जीत हासिल की थी, वहां से उनकी बहन प्रियंका उपचुनाव लड़ रही हैं, उस सीट से चुनाव लड़ रही हैं जहां पर आप तीसरे नंबर पर रहे थे। क्या भविष्य रहेगा आपका चिंतामणि मालवीय जी, कितने चिंतित हैं आप? ये कांग्रेस की सांप्रदायिक राजनीति और परिवारवाद का एक प्रतीक है कि उन्हें वहां चुनाव लड़ने को दिया गया, किसी कार्यकर्ता को भी दिया जा सकता है, लेकिन जहां तक हमारी प्रसन्नता का सवाल है, हम प्रसन्न है क्योंकि उनके बयान अभी तक आप देखेंगे हमेशा हंसी का कारण रहे हैं। मुझे भी आज मैंने याद किया तो कहीं पिछला एक बयान ध्यान में आया, आप ऐसे के हास्यास्पद आप नेता को राहुल गांधी जी की टक्कर में एक और नेत्री अब आ गई है इस बात के, हमें अभी तक हम जो है भारतीय जनता पार्टी केवल राहुल गांधी जी पर निर्भर थे, अब जो है वो प्रियंका गांधी जी भी आ गई तो अब हमारा जोर काम हल्का हो गया। वो कहती है गंगा मैया खुदा है क्योंकि भेदभाव नहीं करती, उनके बयान भी बड़े अलग अलग होते हैं। वो कहती है सच बोलना भी देशभक्ति है, राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्रभक्ति की भी परिभाषा वो देती है, और कुल करके एक एक ऐसी नेत्री आई है कि बहुत ज्यादा सामग्री आपको भी मिलेगी, इसलिए आपको भी बधाई, प्रेस जगत को और मीडिया को भी बहुत कुछ मिलेगा आप उनके वक्तव्यों से। एक एक अपरिपक्व नेता, एक ऐसा नेता नेत्री जिनकी जिन्होंने जिनकी कोई उपलब्धि आज तक नहीं है सिवाय उनके परिवार में पैदा होने के, और आप कितना महिमा मंडन सुरेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। मुझे सोनवलकर जी की दो लाइनें याद आती है, बुद्धिजीवी जब गूंगों में शामिल हो जाता है तो गूंगेपन को ही उपलब्धि साबित करने में व्यस्त हो जाता है। सुरेंद्र जी पूरे उनके वक्तव्यों में उनको बिल्कुल महान दिखाते हुए, और ऐसा कि उनके आने से बिल्कुल तमाम क्रांति हो जाएगी, कल्पना करने लगे कि मोदी जी को हरा देती। पर मुझे लगता है कि सुरेंद्र सिंह जी के लिए कि अगर मेरी मौसी की मूछें होती तो मैं उनको मौसा कहता, इस तरह की बातें सुरेंद्र जी कर रहे थे, मोदी जी को हरा देते, ये कर देते, वो कर देते। अरे भाई, कल्पना लोक से बाहर निकली और कोई परिवर्तन नहीं आना। आज जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स की नींव नेहरू जी ने रखी थी, बल्कि मैं कहता हूँ मोतीलाल नेहरू ने जो रखी थी, उसी की परंपरा आप निभा रहे हैं। एक बार फिर आपने सिद्ध किया कि कांग्रेस के जो गांधी परिवार है वो प्रोटेक्टर नहीं है, वो उसका अभिभावक नहीं है बल्कि उसका मालिक है, वो जो चाहे निर्णय लेंगे, और गांधी परिवार ही कांग्रेस है। और वो कभी कभी देश भी खुद को समझने लग जाता है, जब उन पर कोई तकलीफ आती है कहते देश को बड़ी तकलीफ हो रही है, तो देश भी खुद को समझने लग जाते हैं। ऐसे आत्मक्योमों में ग्रस्त कांग्रेस ने ये जो चिंतामणि, थोड़ा अपन विषय पर और विस्तार से जाते हैं। देखिए, जब उत्तर भारत से कांग्रेस का सफाया हुआ था तब भी दक्षिण भारत ने कांग्रेस के साथ अपने आप को खड़ा रखा था, और इसकी वजह यह मानी गई थी कि दक्षिण में इंदिरा गांधी को विशेष सम्मान के साथ देखा जाता था। प्रियंका गांधी के संदर्भ में जब भी जिक्र आता है तो ये जिक्र भी आता है कि उसमें उनकी दादी इंदिरा गांधी की छवि दिखती है। कांग्रेस के कई शीर्षस्थ नेताओं का यह मानना रहा कि प्रियंका गांधी को राजनीति में लाते समय अगर उन्हें दक्षिण का प्रभार दिया जाता या दक्षिण से वह शुरुआत करती तो ज्यादा बेहतर परिणाम आते। सक्रिय राजनीति की शुरुआत भले ही दक्षिण से नहीं हुई, पर संसदीय राजनीति की शुरुआत के लिए उन्होंने दक्षिण को चुना है। क्या कहते हैं आप, क्या प्रियंका गांधी का दक्षिण से संसदीय जीवन की शुरुआत करने का फैसला कांग्रेस को एक नई ऊर्जा दे सकता है? सवाल संजीदा है चिंतामणि जी, क्रिटिसाइज आप कुछ भी करें लेकिन सराहने की बात है। प्रियंका गांधी चाहती
तो लोकसभा के स्थान पर राज्यसभा भी पहुंच सकती थी। आप तो बोल ही रहे कांग्रेस के तो मालिक है गांधी परिवार, पर मालिक ने फिर भी मुलाजिम बनने का फैसला किया है और मजदूरी करने के संदर्भ में पहले 8 साल तक 2016 से लेकर 2024 तक संगठन का काम किया, जनता के बीच में लड़ाई लड़ी, जनता के बीच अपनी सक्रियता बनाई, तब जाके लोकसभा में पहुंचने के लिए चुनाव के माध्यम से ये कोशिश की है। क्या कहते हैं चिंतामणि मालवीय जी? देखिए, वास्तव में जो कांग्रेस का प्रसार था, कांग्रेस का जो विस्तार था, वो वस्तुतः धीरे धीरे सिमट रहा है। एक बार जहां से कांग्रेस चली जाती है फिर कभी पलट करके नहीं आती। आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, 10 उदाहरण दे सकते हैं कि फिर कांग्रेस कभी पलट कर नहीं आती। धीरे धीरे वो प्रवाह, वो जो विस्तार है तरह का आप दक्षिण की तरफ होने लगा। ठीक है, थोड़ा आधार कांग्रेस है दक्षिण में, लेकिन उसी को लेकर के वो गए। और मुझे तो लगता है कि केवल वो सांप्रदायिक वोटों के लिए गई है। अगर वहां 40% मुसलमान नहीं होता, अगर मुस्लिम वहां बहुलता में नहीं होते, अगर ईसाई बहुलता में नहीं होते, तो शायद वो उस सीट को नहीं चुनते। तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि केवल अपने आप को एक सिक्योर सीट से लड़ने की कोशिश है। ये भी कोई राज्यसभा से कोई इतर कोई चीज नहीं है। वो चुनते किसी दूसरी, इंदौर चुन सकते थे और दूसरी सीट सकते थे, ऐसी सीट पर आकर के लड़े तो उनको पता चला। हाँ, मतलब भाजपा के नेता तो आपकी पसंद की सीट से लड़े ही, कांग्रेस के नेता भी, चिंतामणि जी आप चाहते हो कि आपकी पसंद की सीट से लड़े, मतलब कांग्रेस के टिकट भी आप ही बांटना चाहते हो, क्या विचार है आपका? ऐसा ही होना चाहिए? नहीं, ये एक तरह का ठीक है कि वो किस तरह की सीटों का चयन करते हैं, क्या आधार कांग्रेस का बचा है। वो संघर्ष में रहना ही नहीं चाहते। यानी गांधी परिवार संघर्ष से डरता है, जहां भी संघर्ष होता है वो उससे तुरंत उसको छोड़ देते हैं। इसलिए धीरे 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 कांग्रेस भी सिमट रही है और गांधी परिवार की भी सामर्थ्य, वास्तव में तो इनके कारण बाकी लोग जीतना चाहिए, लेकिन कांग्रेस आज क्षत्रपों पर निर्भर रह गई है, वहां के जो स्थानीय नेता है उन पर निर्भर रह गई है। कांग्रेस की अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है। और कांग्रेस जब मैं कहता हूं तो गांधी परिवार जी, क्योंकि दोनों अब एक ही हो गए। हाँ, सामर्थ्य नहीं है, पर बिना सामर्थ्य के बावजूद भी दो दो लोकसभा सीटों से लाखों वोटों के अंतर से राहुल गांधी जीत जाते हैं। और सुरेंद्र राजपूत जी आज आपको कटाक्ष कर रहे हैं ना चिंतामणि जी, तो उसका कारण यह है कि बनारस में आपके सर्वोच्च नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत से कहीं बड़ी जीत राहुल गांधी की रायबरेली से, जिनको आप शक्तिहीन बता रहे हैं। थोड़ा विचार कीजिएगा अपने विचारों के संदर्भ में, और रायबरेली में कितने मुसलमान कितने ईसाई, इसका भी हिसाब लगा लीजिएगा, फिर बताइएगा कि वो सीट पर जीत क्यों हो गई। पर मैं अभी आगे चलता हूं। सुरेश जी, थोड़ा मौका देते हैं दूसरों को भी, आपकी तरफ से काफी कोशिश कर ली मैंने चिंतामणि जी से। पर मेरे साथ में इस समय पर ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी हैं, तो श्रीवास्तव जी क्या कहते हैं? प्रियंका गांधी भविष्य की आंधी, गलत पार्टी में तो नहीं खड़े हुए हैं अभी आप, कोई टिप्पणी? हिमांशु जी, नहीं, मैं जहां हूं बिल्कुल ठीक हूं जी। ये बात बिल्कुल सच है कि इसके पहले मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस के बहुत सक्रिय नेताओं मध्यप्रदेश में मेरी गिनती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस निर्णय लेने में अपने उन साथियों को हमेशा भूलती है जो कांग्रेस की नींव के पत्थर होते हैं। इसलिए उस समय मैंने कांग्रेस छोड़ी, और ये मैं अभी भी देख रहा हूं कांग्रेस का जो टोटल जो निर्णय लेने का जो तौर तरीका है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग, जैसे मैं भाई अगर सुरेंद्र राजपूत जी की बात करूं, ये जितने प्रखर प्रवक्ता हैं और जितना इनका अपना एक सामाजिक दायरा है, उसमें जो जगह इनको मिलना चाहिए थी वो नहीं मिली है। तो ऐसे सैकड़ों लोग हैं कांग्रेस में, तो इसलिए मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, अभी बहुत बिंदुओं पर बात कर ली है। देखिए, बात यह है कि इस देश के किसी भी नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में जाकर चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है, चाहे वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो और चाहे वो आदरणीय राहुल गांधी या प्रियंका गांधी। इसका निर्णय या तो वो लोग खुद लेते हैं या उनका जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है वो लेता है कि कौन आदमी कहां से लड़ेगा। ये निर्णय जो लिया गया, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने निर्णय लिया है, और मैंने इसके पहले आदरणीय राहुल गांधी जी के बयान को भी सुना था कि वो वायनाड से इस्तीफा दे रहे थे। उस समय उन्होंने कहा था कि यहां अब 2 सांसद मिलेंगे और हमारा परिवार, उसका मतलब सीधा यह था कि मेरे साथ मेरी बहन भी आ रही। ठीक है, फैसला ठीक है, वहां की जनता को तय करना है कि वो उनको चुन के भेजते हैं या नहीं भेजते हैं, इस मामले में कहना ठीक नहीं है। मैं लेकिन इसके एक राजनीतिक पक्ष को जब देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि बात चलती है कि जैसा आदरणीय प्रियंका जी ने भी इस बात को कहा था कि मेरे चूंकि बच्चे छोटे हैं
जब वो बड़े होंगे तब मैं राजनीति में आऊंगा। ठीक है, एक माँ के रूप में उनकी भूमिका बहुत ही सराहनीय है और इसको मैं सोचता हूँ सभी लोग पसंद भी करेंगे। अब शायद बच्चों के दायित्व के बाद अब वो भाई के दायित्व के लिए शायद सामने आई है मैदान में, और उसके पीछे जो मैं महसूस करता हूं, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा है या उनके रणनीतिकारों को ऐसा लगा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से या एनडीए के सामना करने के लिए एक अकेले राहुल गांधी जी काफी नहीं, तो उनको एक अपने ऐसे करीबी आदमी की जरूरत थी जो उनके खुद के अपने परिवार का हो। क्योंकि मैं ये भी देख रहा हूं कि कांग्रेस में शायद वफादार लोगों की कमी हो गई और जो उसमें इर्द गिर्द जितने लोग इकट्ठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का उपयोग तो कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस के साथ जो वफादारी दिखाना चाहिए उसमें कोई कमी आई है इनके इस एक्शन से, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बहन की जरूरत है या बहन को भाई की मदद के लिए आना है तो इसका सीधा मतलब यह है कि भाई कमजोर पड़ रहा है, तो अगर परिवार के लोग निकल के आए हैं तो ठीक है। जहां तक साउथ इंडिया की अगर मैं बात करूं तो कुल मिला के वहां पर लोकसभा की 130 सीटें होती है, 413 सीटें हमारे इस क्षेत्र में है जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रभुत्व है और पूरी जनता का समर्थन है। मुझे नहीं लगता कि आदरणीय प्रियंका जी के वहां से सांसद बनने के उपरांत कोई बहुत बड़ा परिवर्तन देश में आ जाएगा या कांग्रेस अचानक एकदम से कोई आंकड़ों को जो 99 है उससे कोई 300 पे पहुंच जाएगी। मुझे इस मामले में कोई अचानक ऐसी बात नहीं लगती। अभी 4.5 साल हमारे एनडीए के हैं भारत में और मुझे लगता है कि जो जन समर्थन हम लोगों के पास है उसको देखते हुए अगर ये लोग प्रयास करते हैं मेहनत करते हैं तो ये तो जनता के ऊपर तय होगा कि जनता क्या करती है। लेकिन मैं एक बात खास तौर से कहना चाहता हूँ, इस देश के विकास के लिए जिस प्रकार से एनडीए और खासतौर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रयास कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके सामने इस देश के 1 अरब 50 करोड़ लोग जो कि अब से 25 साल बाद 1 अरब 75 करोड़ के आसपास होंगे, उनके लिए उनके सामने पूरा उनका एक रूपरेखा है, उनके सामने उसका पूरा एक ब्लू प्रिंट है और उस ब्लू प्रिंट पे वो बहुत ताकत के साथ काम कर रहे हैं हर दिन हर मिनट उनका उस ब्लू प्रिंट को पूरा करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, विपक्ष में अगर अच्छी बहस हो अच्छे नेता आ जाए तो इससे अच्छी बात तो कोई हो नहीं सकती। और इस बात के लिए तो हमेशा थोड़ा ब्रजमोहन जी अपन मुद्दे पर आते हैं। ये जो प्रियंका गांधी का 8 साल का बतौर महासचिव कार्यकाल है ये क्या उन्हें एक संभावनाशील राजनीतिज्ञ के तौर पर आपको देखने के लिए विवश कर पाता है या आपको लगता है कि अगर प्रियंका के आगे गांधी न लिखा होता तो एक पार्षदी से स्तर पर भी उन्हें गंभीरता से लिया जाना मुश्किल था। ज्यादा चिंता बड़ी जी हमें समझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा रोशनी दीजिए ना। डॉक्टर साहब मैं इस बात से असहमत हूँ। इस मुल्क की यही तो खूबी है कि अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते तो उनकी अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो फिर उनको कुछ बनना ही नहीं चाहिए था। तो अगर सरनेम भी हट जाए तो भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस ढंग की कोई स्थिति। जी आप थोड़ा विषय को और मेरे साथ जोड़ने की कोशिश की है। मेरा सवाल यह था आपसे कि बतौर राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी ने 8 साल जो काम किया है क्या उसके चलते आपको लगता है कि उनके साथ एक बड़ी संभावना देखी जाए आने वाले समय को लेकर, या आपका मानना है कि जैसे आप राजनीति में आए तो आपको राष्ट्रीय महासचिव का पद मिल गया, यह कोई खूबसूरती की बात है क्या? लोकतंत्र के तहत व्यक्ति को घुसते ही राष्ट्रीय महासचिव का पद मिल जा रहा है, यह लोकतंत्र के तहत आपको एक उपलब्धि के तौर पर लग रहा है, या ये उपलब्धि इसीलिए आई थी क्योंकि प्रियंका के साथ में गांधी लगा हुआ था? तो थोड़ा ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी यथार्थ में रहते हुए हमारे साथ उन सवालों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए जिसके उत्तर जानने में जनता की दिलचस्पी है। क्या कहते हैं ब्रजमोहन जी 8 साल की प्रियंका गांधी की उपलब्धियों पर सुरेंद्र राजपूत जी के साथ आप खड़े हैं या चिंतामणि मालवीय जी जैसा उपहास कर रहे हैं उस उपहास के साथ खड़े हैं या उससे अलग कोई और सड़क आप देख रहे हैं? देखिए मैं तो उससे अलग हूं, बिल्कुल दोनों से अलग। ये बात बिल्कुल सच है कि एक बिल्कुल तत्काल एक इतनी बड़ी पार्टी का किसी को राष्ट्रीय महामंत्री बना देना और उसकी विधिवत ग्रूमिंग ना हुई हो तो उसका परिणाम हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखा था। वहां पर उस समय प्रभारी महामंत्री के रूप में बहुत उन्होंने मेहनत की थी लेकिन उसके उपरांत जो परिणाम था वो शायद 3-4% वोट मिले थे कांग्रेस को। ये बात भी हकीकत,
उसके बाद भी जो दूसरे राज्यों के भी जो चुनाव हुए जहां पे उनका हस्तक्षेप था, जैसा कहा जाता है कि शायद छत्तीसगढ़ में भी उनका हस्तक्षेप था, राजस्थान में भी उन्होंने अपनी कुछ राय रखी थी, अगर वहां के भी हम परिणाम का मूल्यांकन करें तो उससे ऐसा लगता है कि जो सफलता उनकी होनी चाहिए थी वो नहीं है। अब शायद हो सकता है इन सारी असफलताओं से वो कोई सबक सीखकर कोई बेहतर काम कर दे, संभावना है, क्योंकि तो ब्रजमोहन जी ने उम्मीद छोड़ी नहीं है, लेकिन अतीत कोई उम्मीद जगाता नहीं है, ब्रजमोहन जी की बात से ये निकल जाता है। अब इसके बीच में राजकुमार सिंह जी आपके पास में रुक कर रहा हूं तटस्थ राय के लिए। प्रियंका गांधी का सांसद के तौर पर चुनाव लड़ना देश के लिए कोई बड़ी उम्मीद या गांधी परिवार के लिए संतोष का विषय? चलो अपने यहाँ का एक और बच्चा सांसद होने जा रहा है। हिमांशु जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए तो बड़ी उम्मीद है ही, और गांधी परिवार से वो आती है तो गांधी परिवार के लिए भी बड़ी उम्मीद है जी। लेकिन उनकी असली परीक्षा संसदीय राजनीति में अभी शुरू होनी जी। अभी तक की जो उनकी राजनीति रही है वो संगठन में भी नहीं रही है, महासचिव जरूर रही है संगठन में जी। उनकी भूमिका जो रही है, जैसा आपने भी शुरू में जिक्र किया, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के जो निर्वाचन क्षेत्र हैं वहां पर चुनाव प्रबंधन देखना, और उसके बाद सांसद के अघोषित प्रतिनिधि के तौर पर राजनीतिक कामकाज देखना, और उससे बड़ी भूमिका अगर कांग्रेस के लिए देखें तो उनकी रही है एक स्टार कैंपेनर जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रियंका गांधी अच्छी वक्ता है, श्रोताओं से बहुत अच्छा कनेक्ट करती हैं संवाद की शैली में, और कार्यकर्ताओं की बात भी बड़े सहज भाव से सुनती हैं, ऐसी सूत्राएं हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर आप उनकी सफलता और विफलता की बात करें, 2017 से जैसे राष्ट्रीय महासचिव हैं तो उनके खाते में कोई बड़ी सफलता गिनाने के लायक अभी नहीं है। उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव थी, एक बड़ा लोकप्रिय और बड़ा चर्चित नारा उन्होंने दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लड़ी, बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवार भी उतारी, 150 से या 150 के आसपास चुनावी सभाएं की, रोड शो किए, लेकिन सीटें मिली विधानसभा में 402 में से कुल 2, और वोट परसेंटेज भी लगभग 2.5 के आसपास था जी। इसमें भी दो राय नहीं कि उनको सुनने के लिए लोग आते हैं, बड़ी संख्या में भीड़ जुटती है, लेकिन परिणाम यह बताता है कि वो भीड़ वोट में कन्वर्ट नहीं हो। अब उसमें आप प्रियंका गांधी की क्षमता पर सवाल उठाएं या कांग्रेस की संगठन की क्षमता पर सवाल उठाएं, ये एक बहस का मुद्दा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो संगठनात्मक कमजोरी है वो शायद उसके लिए ज्यादा जिम्मेदार। अब प्रियंका गांधी के आने के बाद, जैसा आप बीच बीच में बता भी रहे हैं, परिवार के तीनों सदस्य अगर प्रियंका गांधी जीत जाती है वायनाड, जिसमें मुझे कोई संदेह नहीं लगता जी, पिछले 2 चुनावों के परिणाम को देखें, तो तीनों गांधी संसद में होंगे, और नरेंद्र मोदी की बात करें या उनकी पार्टी बीजेपी की बात करें, उनका एक बड़ा हमला कांग्रेस पर या बड़ा आरोप परिवारवाद को लेकर रहा है। क्या इससे उसकी पुष्टि नहीं होगी? हालांकि अब परिवारवाद के सवाल पर कोई पार्टी अपने आप को बेदाग साबित नहीं कर, कमोबेश हर पार्टी में डिग्री का फर्क हो सकता है, संख्या का फर्क, सब में परिवारवाद है अपनी अपनी सुविधा के साथ। तो ऐसे में प्रियंका गांधी संसदीय राजनीति में क्या भूमिका निभाती है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन हमें यह नहीं भूलना होगा कि उनके साथ कई किंतु परंतु और जुड़े रहे हैं, चाहे आप रॉबर्ट वाड्रा की बात कर लें जो उनके पति हैं, उनको लेके कई चर्चाएं हैं, कई केसेज उनके मामले में हैं, लेकिन सवाल यह भी उठ सकता है 10 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 10 साल उन केसेज में कोई आर्के परिणीति तक तो कुछ पहुंचा नहीं, पर वो सवाल तो रहेंगे। और राजनीतिक भूमिका की बात करें, राजनीतिक परिपक्वता की बात करें, तो पंजाब में जिस तरह का हस्त कांग्रेस का हुआ उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही से प्रियंका गांधी अपने आप को पूरी तरह बरी नहीं कर सकते। रणजीत सिंह चन्नी किसकी पसंद थे इस पर बहस हो सकती है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू सीधे सीधे प्रियंका गांधी की पसंद थे पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए,
जिसके चलते पंजाब में कांग्रेस का पराभव शुरू हुआ और अंततः आज वो सत्तारूढ़ दल से बहुत सीमित संख्या वाले मुख्य विपक्षी दल में तब्दील हो गई। तो प्रियंका गांधी के साथ कई किंतु परंतु हैं, उनकी कुछ अच्छी बातें भी हैं। आपने कहा उन्होंने छवि है, इंदिरा गांधी की छवि दिखती है, बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन सिर्फ छवि के सहारे बहुत लंबी राजनीति नहीं होगी। भीड़ आपको सुनने आ सकती है लेकिन वोटों में कन्वर्ट होगी नहीं होगी, ये बहुत सारी चीजों पर निर्भर करेगा। अच्छा, मैं राजकुमार जी थोड़ा और भविष्य की संभावना या आशंका को लेकर बात करता हूं। बताया जा रहा है कि वो अपने भाई की मदद करने के लिए इस भूमिका में आ रही है, पर अमूमन देखा गया है परिवार के लोग एक स्तर तक ही एक दूसरे के सहयोगी होते हैं और बाद में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं। जिसका काम एक जगह से नहीं निकलता वो दूसरी जगह पर अपना दरवाजा देखता है, और जिन उदाहरणों की आप बात पिछले 8 साल के संदर्भ में कर रहे हैं उसमें भी अमूमन देखने में आया कि कांग्रेस के तमाम जिम्मेदार या बड़े नेताओं ने जब राहुल गांधी के दरवाजे पर अपने मन मुताबिक फैसले नहीं पाए तो उन्होंने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रियंका गांधी की चौखट पर दस्तक देना उचित तो समझा और उत्तर भी पा लिया अपने मन अनुरूप। जानना आपसे यह है कि क्या प्रियंका गांधी भविष्य में राहुल गांधी के लिए ठीक वैसे ही अजीत पवार तो साबित नहीं हो जाएंगी जैसे सुप्रिया सोले के लिए अजीत पवार साबित हुए? इस अंदेशे, इस आशंका के संदर्भ में क्या कह रहा है आपका, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं और नेताओं की और कार्यकर्ताओं की ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर देते हैं। नरेंद्र राजपूत जी ने प्रियंका गांधी के बड़ी देर से चुनाव राजनीति में आने का जो कारण बताया, अगर वही कारण है तो एक मां के रूप में उनकी भावनाओं का और जिम्मेदारी के प्रति एहसास का सम्मान करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग जिनमें कांग्रेस के अंदर के लोग भी शामिल हैं वो ऐसा मानते हैं कि प्रियंका गांधी के चुनावी राजनीति में आने में विलंब इसलिए भी हुआ कि कहीं दो पावर सेंटर ना हो जाए, और वो खतरा क्योंकि कांग्रेस की जो संस्कृति है उससे सुरेंद्र राजपूत जी भी इनकार नहीं करें। हर राजनीतिक दल में होता है कि लोग आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई माध्यम, कोई ना कोई अपना गॉड फादर ढूंढ लेते हैं, तो वो खतरा तो है। और राहुल गांधी को तो राजनीति में आए हुए लंबा अरसा हो गया जी, 20 साल से तो मेरे ख्याल से संसद में है, कभी 2004 में पहली बार चुनाव लड़े थे, उनमें सुधार दिखता है, काफी बदलाव दिखता है। लेकिन नरेंद्र मोदी को उनके अंदाज में उनके स्तर पर टक्कर देने की क्षमता शायद अभी नहीं है। तो ये हो सकता है कि राहुल गांधी उत्तर पर फोकस करें, और जैसा आपने कहा कि दक्षिण ने कांग्रेस का साथ कभी नहीं छोड़ा, चाहे 77 की बात हो, चाहे 89 की बात हो, या उसके अलावा भी दे जी। और दक्षिण में प्रियंका गांधी को आगे लाया जाए जिनमें लोग इंदिरा गांधी की छवि भी। तीसरी बात संभावनाओं की है, वो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने एक बार कहा था कि राजनीति असीमित संभावनाओं का, तो संभावनाएं तो बिल्कुल खुली हुई है। संभावना के द्वार ने अतीत में बहुत सारे नेताओं के साथ देखा है, प्रियंका के साथ भी देखा है, लेकिन कांग्रेस के हित में अगर देखें तो राहुल और प्रियंका मिलकर के एक दूसरे को मजबूत करते हैं और उससे कांग्रेस भी मजबूत। लेकिन अगर कहीं कोई प्रतिबद्धता जैसी स्थिति आई तो कांग्रेस के लिए नुकसानदेह होगी, और जाहिर इन दोनों के लिए तो नुकसानदेह होगी, इन दोनों के लिए तो नुकसानदेह होगी ही। मैं वापस आता हूं सुरेंद्र राजपूत जी के पास में। वायनाड से प्रियंका गांधी का मैदान में उतरने के साथ में भविष्य कांग्रेस किस रूप में देख रही है? क्या प्रियंका गांधी वहां से महज एक सांसद के तौर पर भूमिका निभाएंगी, या अब प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश को छोड़ दक्षिण में कांग्रेस की जड़ों को मजबूत करने के लिए सक्रिय दिखाई देंगी? 130 सीटों की ओर ब्रजमोहन श्रीवास्तव रेखांकित कर रहे हैं, क्या कहते हैं सुरेंद्र जी? तीन चार चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पहले तो मैं चिंतामणि जी की जो बातें इन्होंने कही कि भाई सांप्रदायिक राजनीति का एक घिगौना खेल है, तो भाई 10 साल से आपकी सरकार है, वायनाड हिंदुस्तान का हिस्सा है, अगर इतना सांप्रदायिक है वायनाड तो आप उसको कहना चुनाव लड़ने से हटा देते।
देशद्रोह की बातें करना क्या भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में शामिल हो गया है? हिंदू मुसलमान करना क्या भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में शामिल हो गया है? अगर भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में सिर्फ सांप्रदायिक राजनीति शामिल हो गई है तो चिंतामणि जी, आप जैसे सुधी आदमी को ये पार्टी छोड़ देनी चाहिए। इस तरीके की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। और मैं आपको बता देता हूं, जहां आप 40% की बात कर रहे हैं तो 55% मुस्लिम आबादी है रामपुर में। वहां पर भी एक बार भाजपा जीत चुके हैं, मुख्तार अब्बास नकवी जीत चुके हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। तो हिंदू मुसलमान और मुसलमानों के ऊपर ये जो टैगिंग आप लगाते हैं ना, ये करना बंद कर दीजिए, नहीं एक दिन आप बड़े नुकसान में रहेंगे। मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं, ये कहते हैं चिंगारी का खेल बुरा होता है, ये चिंगारी का खेल मत खेलिए, क्योंकि आपके बड़े नेता तो खेल ही रहे हैं, तो इस चीज को मत कीजिए। मैं आपको बताऊं, दूसरी बात आपने कही, एक बात से मैं आपकी सहमत हूं कि बुद्धिजीवी जब गूंगों में शामिल हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, आप ही ने कहा था, तो ये बात सच है कि जो जो बुद्धिजीवी आप जैसा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया वो क्या हो गया मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं आप ही के कथन से सहमत हूं, क्योंकि हमारे यहां तो बोलने की आजादी है, गूंगे सिर्फ आपके यहां हैं लोग, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी के सामने हो, चाहे अमित शाह जी के सामने हो, आप जैसे सुधी आदमी को दो बार से टिकट नहीं दे रहे ये लोग, इस चीज को जान लो। आपको हमारे जैसे आदमी के साथ बैठ करके राजनीति करनी पड़ रही है, प्रवक्तागिरी करनी पड़ रही है, जबकि किसी वक्त आपने शायद संसद सुशोभित करी थी। तो अपने मन से, अपने दिल से हाथ रख के पूछना किसकी पार्टी में गूंगे हैं और किसकी पार्टी में बोलने वाले लोग। अब आपने जो बात कही कि भाई भाजपा खुद भी मान गई कि भाजपा हार गई वायनाड से, चूंकि आपने सांप्रदायिकता की बात कर दी। अब मैं आदरणीय क्या नाम हिमांशु जी की बात पे आता हूं कि भविष्य की क्या संभावनाएं देखते हैं। सारी चीजें ये अपने आप में सच है कि हमारे सर्वोच्च शिखर पर जितने लोग बैठे हुए हैं, गांधी परिवार उसमें से प्रमुख है। और हां, हैं हम लोग परिवारवादी, भाई जिसका परिवार होगा वो परिवारवादी होगा, जिसका परिवार नहीं होगा, कहीं छोड़ रखा होगा, किसी ने शादी नहीं की होगी, वो क्या परिवारवाद की, परिवार की बात करेगा। और ये देश ही पूरा परिवारवाद पे चलता है। हिमांशु जी भी परिवार के परिवारवादी हैं, आप भी परिवार वाले हैं तो परिवारवादी होंगे, और मैं भी परिवारवादी हूं। परिवारवादी होना गाली नहीं है, ये गर्व की बात है। ये परिवारवादी गाली उनके लिए जिनका अपना परिवार है नहीं, दूसरे के परिवार में बैठे रहते हैं, कभी किसी सोनी के क्या नाम टेप, फोन टेप कराते हैं, कभी कुछ और करते हैं जाकर के। तो छोड़ दीजिए इसको, परिवारवाद पे गर्व किया कीजिए। परिवार है हमारा, हम हैं परिवारवादी और आगे भी रहेंगे। रही बात प्रियंका गांधी जी का राष्ट्रीय नेतृत्व में, वो एक सीट में सांसद रहेंगी, उस सीट का पूरा काम करेंगी, वो हमारी राष्ट्रीय महासचिव हैं। कांग्रेस पार्टी जो उनको भूमिका देगी उस पूरी भूमिका का वो निर्वहन करेंगी। अभी भी वो महत्वपूर्ण भूमिका में है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या स्टार कैंपेनर, उनसे बड़ा क्राउड पुलर जो 4-5-7 लोग हैं हमारे यहां, उनमें वो एक क्राउड पुलर है, चुनावों के परिणाम को बदलने की क्षमता रखती है। तो जहां जहां पार्टी का जरूरत होगी वहां वहां पर, अभी हिमाचल में उनका उपयोग किया पार्टी ने, हरियाणा में उपयोग किया पार्टी ने, जम्मू कश्मीर में उपयोग किया पार्टी ने, तेलंगाना में उपयोग किया पार्टी ने, अब महाराष्ट्र के इलेक्शन में उपयोग करेगी पार्टी। जहां जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां वहां पार्टी उपयोग करेगी, और वो पार्टी के उपयोग के लिए जो भी पार्टी उनको निर्देश करेगी वो पार्टी का निर्देश मानती है, अभी तक भी मानती आई है और आगे भी मानती रहेगी। एक सवाल है आपसे, जब भी प्रियंका गांधी का जिक्र पिछले समय में आ रहा है तो विफलताओं की एक लंबी कहानी पढ़ दी जाती है कि देखो प्रियंका गांधी के आने के बाद उन्होंने पार्टी का हर स्तर पर बेड़ा गर्क किया। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा तो दे दिया, पर जीत सकती हूं तक की स्थिति में पार्टी को नहीं लाया। अभी राजकुमार जी बता रहे थे 2 सीट आई, और वो क्या बता रहे थे, इतिहास के पन्नों में दर्ज है, वोट उत्तर प्रदेश में 2.2%, और 2 सीटें आई। महत्वपूर्ण बात यह कि पहले 6 या 7 सीटें आती थी, उसके स्थान पर 2 सीटें रह गई, ये और भी खराब बात। पंजाब की पार्टी की त्रासदी के लिए प्रियंका गांधी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। छत्तीसगढ़ में पार्टी की विफलता के संदर्भ में भी प्रियंका गांधी के संबल को लेकर किससे कहानियां चलते हैं? क्या सुरेंद्र राजपूत जी इत्तेफाक रखते हैं कि ये सारी बातें सच है, या सुरेंद्र राजपूत का निजी अनुभव यह कहता है क्योंकि प्रियंका गांधी एक बड़ी संभावना है, बड़ी उम्मीद है उनके अंदर, एक बड़ी संभावना कांग्रेस पार्टी देखती है, तो षड्यंत्र पूर्वक उनके संदर्भ में किससे कहानी बनाकर इस तरीके से प्रचारित किया जाता है? सुरेंद्र राजपूत जी थोड़ा सा रोशनी इसलिए डाल सकते हैं क्योंकि आप उनके साथ में काफी समय बिताए हैं,
उत्तर प्रदेश में सक्रिय राजनीति के अंदर, थोड़ा बताइए सुरेश जी। सर मैं दो चीजें कहता हूं कि कभी भी जब भी नेता कोई सार्वजनिक जीवन में आता है उसे अपनी निर्मम मीमांसा के लिए तैयार रहना चाहिए। आप तो बहुत निर्मम भी नहीं कर रहे हैं मीमांसा, हमने तो इससे भी कठोर कठोर मीमांसाएं इंदिरा गांधी जी के लिए 77 में देखी, हमने इससे भी कठोर कठोर मीमांसाएं आप लोगों की हमने राजीव जी के लिए देखी, हमने जो है सोनिया जी के लिए देखी, और वो सोनिया जी के लिए तो क्या कहें, नरेंद्र मोदी जी मतलब कांग्रेस की विधवा, 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो हमने कठोर मीमांसा राहुल जी के लिए देखी, लेकिन जो भी बड़े लोग होते हैं वो खाली कद के बड़े, वो पद के बड़े नहीं होते, कद के भी बड़े लोग होते हैं, उन्हें इन मीमांसाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चिंतामणि जी से भी कहूं और आपसे भी कहता हूं, राजकुमार जी से भी मेरा विनम्र अनुरोध है कि 1925 में संघ बना था और उन्हें अपनी पार्टी की सरकार लाने में 2014 यानी 90 साल लग गए, 91 साल, ठीक है ना, 91 साल लगे, और उसमें कितनी असफलताएं संघ को, भाजपा को, जनसंघ को, हिंदू महासभा को हुई आपके सामने है। एक बार तो जनसंघ ने यानी भारतीय जनता पार्टी के पितृ संगठन ने हताशा के मारे सत्ता के लालच के लिए, सत्ता की प्राप्ति के लिए 77 में अपने जनसंघ को जनता पार्टी में ही विलय कर दिया। ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि सत्ता के लालच में कोई पार्टी जो एक विचारधारा को अपने ओतप्रोत मानती हो, अपने को संघ से मानती हो, उसने अपनी पूरी की पूरी पार्टी को सत्ता के लालच में, लोभ में आकर के बड़ी निर्लज्जता के साथ जनता पार्टी में विलय कर दिया। तो ये, और उसके बाद जो 1984 आया, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली और 2 सीटों से बढ़ते बढ़ते भारतीय जनता पार्टी 302 तक भी गई और हम लोग 413 सीट से घटते घटते 44 पर भी आए। तो ये उत्तरोत्तर कभी कभी असफलता मिली है, कभी सफलता मिली है, किसी राज्य में हमें असफलता मिली, किसी राज्य में सफलता मिली। तो ये चीजें सिर्फ नेताओं के ऊपर, आप जैसे लोग मीमांसाएं करते रहे वो भी हमें धनात्मक ऊर्जा देगी, लेकिन पार्टी के हमारे जो नेता हैं वो हमारे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम करते हैं, और श्रीमती प्रियंका गांधी जी तो ऊर्जा से लबरेज हैं, उनके साथ रहते रहते तो आपको लगता है कि आप असीमित संभावनाओं के क्षेत्र में जी रहे हैं, असीमित। ये मैं अपना व्यक्तिगत आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूं, क्योंकि चेहरे पे उनके ना थकान होती है ना तनाव होता है, मुस्कान के साथ आपको बात करती हैं, आपकी बात का जवाब देती हैं, तो वो जिस असीमित संभावनाओं के साथ बात करती हैं, चुनावी राजनीति में तो क्या हो रहा है, कितना हिंदू मुसलमान, अभी चिंतामणि जी ने की, आपने कहा कि सांप्रदायिक, तो अगर ये कोई कायदे की जगह पर होती तो अभी तक चिंतामणि जी के खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, जिस तरीके से इन्होंने वायनाड को सांप्रदायिक चुनाव क्षेत्र कहा। तो मैं ये आपसे कहता हूं कि हारना जीतना अपनी जगह पर है, और संभावनाएं और उनके कुशल नेतृत्व का गुण जो है वो अपनी जगह पर है, वो कुशल नेतृत्व करता संगठन करता है, इसको लेकर के हमें कोई भी दो राय नहीं। एक विषय पर टिप्पणी और कीजिए, प्रियंका गांधी को आप कहां कहां देख रहे हैं पता नहीं, पर क्या प्रियंका गांधी को आप आने वाले समय में ईडी दफ्तर में पेशी के तौर पर भी देखने की कोई उम्मीद कर रहे हैं सुरेश राजपूत जी, या नहीं कर रहे हैं? अब ये तो चिंतामणि जी की पार्टी के ऊपर है, चिंतामणि जी की पार्टी तो कहते ना कि मैं दहशतगर्द हूं, मरने पे बेटा बोल सकता है और पुलिस की मार के आगे तो मुर्दा बोल सकता है। आप तो, हम तो इतना जानते हैं कि अब संसदीय राजनीति में आई हैं और अब मोदी जी, उनकी पार्टी, उनके लोग, उनकी ईडी, उनके जो एक्सटेंशन के लोग हैं, ईडी, आईटी, सीबीआई, ये सारे के सारे लोग लग जाएंगे, हम जानते हैं इस बात को, लेकिन हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। हम तो अंग्रेजों से नहीं डरे तो इन लोगों से क्या डरेंगे, ये तो अपने अपने लोग हैं, हमारे थोड़े से बिगड़े हुए लोग हैं पर अपने लोग हैं, थोड़ी हैं ये लोग। तो चिंतामणि जी, अपने लोग हैं, प्रियंका गांधी को लेकर जो उम्मीदें सुरेश राजपूत जी जता रहे हैं, और राजकुमार सिंह जी भी इस बात को कह रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी का जो ये संसदीय राजनीति में शुरुआत होने जा रही है, ये भाजपा के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है, क्या कहते हैं आप? देखिए, वो केवल सुर्खियां बटोरेंगी, कभी वोट नहीं बटोर सकती, और अतीत में भी ऐसा हुआ है, आगे भी। दूसरी बात, सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि वो सांप्रदायिक चुनाव क्षेत्र नहीं है, तो मुस्लिम लीग का सहयोग के बगैर आप वहां चुनाव लड़ करके दिखा दीजिए। अरे जब रैली निकली राहुल गांधी जी, तो कांग्रेस का तो झंडा ही नहीं दिख रहा था वहां पे, केवल हरे झंडे दिखाई दे रहे थे,
कांग्रेस तो इक्का तुक्का कोई झंडा दिख गया तिरंगा जो तो वो भी आपने नकली बनाया हुआ है तो वो दिख गया तो दिख गया, बाकी तो पूरे इस्लामी झंडे वहां दिख रहे थे, आप उसके बगैर चुनाव लड़के दिखा दीजिए। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि भाई संघ, ये संघ ने 90 साल में सत्ता प्राप्त हुई है तो आप भी अगर कांग्रेस का अतिक्रमण नहीं करते, अपहरण नहीं करते आजादी के पहले वाली कांग्रेस का जिसने आजादी के लिए संघर्ष किया, उसका अगर आप राजनीतिक दुरुपयोग नहीं करते तो आपको 200 साल लगते। आपने लोगों को छलने का काम किया है, वो जो उसकी क्रेडिबिलिटी थी उसको भुनाने का काम किया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो जो है इनको 90 साल असफलता चलती रहती है। असफलता आपके साथ होगी क्योंकि आपका पूरा पूरे छल और छलावे की राजनीति है और पूरा जो आपको भले बहुत उम्मीद हो लेकिन मुझे मालूम है पप्पू नंबर 2 ही सिद्ध होंगी और उनके जो जो डबल स्टैंडर्ड है वो जनता में बिल्कुल घोषित है। उन्होंने पूरा नारा दिया लड़की भी लड़ सकती हूँ, और जब भी कभी कोई दलित लड़की पे अत्याचार को पहुंची लेकिन अगर अत्याचार करने वाला मुस्लिम था वो नहीं पहुंची, यदि कांग्रेस की सरकार थी वो नहीं पहुंची, वो बंगाल पर नहीं बोली, बंगाल में इतने बलात्कार हुए वो चुप नहीं। तो जब वो इनका जो सिलेक्टिव एटीट्यूड है ये जनता को मालूम है, वो कोई असर नहीं छोड़ पाएगी लेकिन क्योंकि गांधी नाम की क्रेडिबिलिटी लगी है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ उससे शायद ये आए कि महिला, ये उनसे मत जुड़िए वो तो बहुत सुंदर महिला है, लेकिन मैं उसके भाव को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि महिला चाहे कितनी कुरूप हो यदि वो बंदूक पकड़ करके भीड़ों में कूद जाती है तो लोग उसको दस्यु सुंदरी कहते हैं, इनकी कितनी भी बुद्धि हो लेकिन अगर गांधी साथ में लगा है तो फिर वो उतना तो उनको मिल ही जाता है सम्मान और उतनी उनको। तो चिंतामणि जी इसके बाद में फिर जाके आप इतने फड़फड़ाते क्यों हैं जब आप मानते हैं कि गांधी नाम से सम्मान मिल जाता है तो गांधी परिवार ने देश के लिए ऐसा कुछ किया होगा ना जिसके कारण से लोग सम्मान देते हैं, तो फिर जाके उस सम्मान के प्रति इतनी तिलमिलाहट क्यों रहती है, इतना उत्तेजित क्यों हो जाते हैं, इतना खिन्न क्यों हो जाते हैं? आप ही खुद मान रहे हैं वो क्या है, गांधी नाम लगा हुआ है ना इसलिए लोग सम्मान भी देते हैं स्थान भी देते हैं। तो फिर मान लीजिए कि इस देश में गांधी परिवार की एक अहमियत है, लोगों के मन में गांधी परिवार के लिए सम्मान और स्थान दोनों है, तो चिंतामणि फिर तो कुछ कहानी नहीं रह गई। मानिए इस बात को, आपने खुद ही मान ही लिया है। हाँ निश्चित रूप से है लेकिन कब तक रहेगा, धीरे धीरे ये जो गांधी परिवार की आखिरी पीढ़ी है जो सत्ता में रहेगी या कांग्रेस का संचालन करेगी, कांग्रेस को अपनी रक्षा के लिए किसी भी समय गांधी परिवार को। सुरेंद्र राजभू जी मुझे आना है आखिरी टिप्पणी के लिए ब्रजमोहन जी और राजकुमार जी के पास, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा चिंतामणि जी का सम्मान करने का धन्यवाद देने का आपका मन है कि नहीं है, उन्होंने कह दिया अब गांधी नाम लगा हुआ है तो सम्मान तो मिल ही जाता है, इतना तो मान ले कि हाँ गांधी नाम सम्मान का पर्याय है, अभी तक तो इसी को लेकर उनका बड़ा दुराव रहता था, क्या कहते सुरेंद्र जी? गांधी नाम सम्मान का भी पर्याय है और दूसरी चीज उन्होंने बाकी की कब ये लोग सत्ता में रहेंगे। चिंतामणि जी भाषा पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, कुरूप दस्यु सुंदरी अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मैं आपकी पार्टी की महिलाओं नेताओं के लिए कर लूं तो मेरी तो माँ बहने हैं, मैं उनके लिए तो नहीं करूंगा, लेकिन आपको भी बचना चाहिए इस तरीके की नीच निर्लज और ओछी टिप्पणियों से, मैं आपको बहुत स्पष्ट कहता हूं और ये बात कहता हूं चूंकि हिमांशु भाई का शो है इसमें वो टू टू मैं वाला होता नहीं, तो आप थोड़ा सा अगर इस भाव को रखेंगे नहीं तो अगली बार मुझे भी आपके यहां पर के लिए कुछ कहना पड़ेगा, बहुत कुछ है मेरे पास। आप अगर चाहेंगे तो मानसी सोनी का जो कपिल मिश्रा ने 2.5 घंटे दिया था दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, वो सब कुछ है मेरे पास, उचित नहीं है इस तरीके की बात। अटल जी कहते थे कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, नंबर एक। हमारे नेताओं के बारे में ओछी टिप्पणी मत करिए, शहीदों का परिवार है, आपके नेताओं ने तो कभी उंगली भी नहीं कटाई। दूसरी बात आप कह रहे थे आजादी से पहले की कांग्रेस, भाई गांधी जी हमारे थे, पटेल साहब हमारे थे, नेहरू हमारे थे, मोतीलाल जी हमारे थे, अबुल कलाम आजाद हमारे थे, सारे के सारे हमारे थे, हमारी कांग्रेस थी, तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आप लोगों की पार्टी है उधार का बाप लेकर के अपना बाप बनाती है या उधार का सिंदूर लेकर के सुहागिन बनती है, तो हम क्या करें उसमें? जहां पर आप लोग कभी पटेल जी को अपना ले लेते हो, कभी नेहरू जी को ले लेते हो, कभी किसी को ले लेते हो, आपके पास अपना कुछ है? आपके पास अपना नहीं है तो हम क्या करें? लेकिन मैं आखिरी टिप्पणी के लिए ब्रजमोहन जी आपके पास मैं आता हूं। कुल मिलाकर प्रियंका गांधी के संदर्भ में
समन्वय की नई राजनीति को आप देखते हैं? राहुल गांधी के संदर्भ में अमूमन यह देखा जाता है कि उनमें आक्रामकता बहुत है, प्रियंका गांधी हमेशा उस समय पर बड़ी भूमिका में दिखाई देती हैं पार्टी में जब जब तनाव चरम पर होता है, और फिर पता चलता है प्रियंका गांधी आए और उन्होंने मामले को सुलझा लिया। क्या कहते हैं आप, प्रियंका गांधी का आना कांग्रेस को संबंधों की नई इबारत लिखने में मददगार नहीं हो जाएगा? देखिए रक्षा, जिस परिवार के पूर्वज इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में रहे हों, यदि उस परिवार का कोई व्यक्ति लोकसभा में पहुंचता है तो इस पे हम लोगों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि हम लोग ये कामना करते हैं कि लोकसभा में अच्छे चरित्र के लोग पहुंचे, अच्छे परिवार के लोग पहुंचे, जिससे वहां से अच्छी चीजें पैदा हों जी, अच्छा है। और हम लोग तो ये चाहते हैं कि जो भी नए संसद जो भी पहुंचते किसी भी दल से पहुंचे वो अच्छे हों, वो वहां पे अच्छा बहस करें और अपने क्षेत्र के विकास के लिए अच्छा काम करें। तो मेरे को हम लोगों को इस मामले में किसी प्रकार का कोई ऐसा नकारात्मक कोई सोच नहीं है। जहां तक बात उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि की है या उनके जिस प्रकार से आपने कहा कि वो राहुल जी के लिए लगातार एक तो बीच में आकर वो लोगों को थोड़ा सा कूल डाउन कर देती हैं, हर आदमी की अपनी अपनी भूमिका होती है, उसमें यदि वो इस भूमिका को निभाती हैं तो ये उनके उनके परिवार उनकी पार्टी और उनके लोगों के बीच का मामला है, उस पर हम लोगों को अपनी तरफ से टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अच्छा काम करें, अच्छी बहस करें और अपने क्षेत्र का विकास के लिए काम करें, अपनी पार्टी के लिए काम करें। ब्रह्मोज एक परिपक्व राजनीतिज्ञ के नाते बयान दे रहे हैं, बोले कुल मिलाकर आए स्वागत है, जनता अगर चुनती है तो वो कुल मिलाकर क्षेत्र के लिए देश के लिए काम करें। राजकुमार जी आखिरी टिप्पणी, भविष्य की उम्मीद कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? अब ये तो सवाल साथ में आएगा ही ना, क्या कहते हैं? मुझे लगता है हिमांशु जी अभी बहुत जल्दी है एक की बात करना, दोनों मिलकर चलेंगे तो कांग्रेस के लिए भी अच्छा होगा, दोनों के लिए अच्छा होगा। जैसा मैंने कहा कि एक दूसरे के पूरक बनेंगे तो कांग्रेस को मजबूत करेंगे, प्रतिद्वंदी बनेंगे कांग्रेस को कमजोर, तो कांग्रेस को कमजोर करेंगे। तो प्रियंका गांधी का वायनाड के रास्ते संसद पहुंचने की कोशिश अगर सफल होती है, तो अगर उन्होंने परस्पर पूरक के रूप में भूमिका निभाई तो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए कुछ बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं। अगर सियासत का जो घटनाक्रम रहता है उसमें जल्द ही राहुल प्रियंका एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के तौर पर देखे गए तो कांग्रेस को एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अतीत में परिवारों के टकराव के हम साक्षी रहे हैं, इसलिए हमारा यह सवाल बेमानी नहीं है, पर इस सवाल का समाधान खोजना गांधी परिवार, कांग्रेस और प्रियंका राहुल पर निर्भर है। बहरहाल शुभकामनाएं प्रियंका गांधी को उनके चुनाव के लिए, और आप सभी मेहमानों का धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, जल्द फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए।